बहुत ही कलरफुल है, जैसा कि नाम है कलर्स ऑफ स्प्रिंग, सो अपने आप में इस नाम में सब कुछ कह दिया है. देयर आर लॉट ऑफ कलर्स एंड थैंक्स टू रेखा जी जिन्होंने इन्वाइट किया, जयसवाल जी जिनका ये इवेंट है, एंड इतने सारे पेंटर्स हैं यहाँ पर, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं. तो सीरियसली मैं खुद कन्फ्यूज हो गई हूँ कौन सी अच्छी लगी पेंटिंग, कौन सी नहीं अच्छी लगी. सारी बहुत अच्छी है एंड सबसे बड़ी बात है ये ना सिर्फ पेंटिंग्स है बल्कि इनके अंदर एक सोच है. इस सोच के साथ आर्टिस्ट इन्हें बनाता है. जैसे हम एक्टिंग करते हैं तो एक सोच के साथ हमारा कैरेक्टर बना जाता है, ऐसी जब पेंटिंग्स कैनवस पर बनाई जाती हैं, चाहे वो ऑयल पेंटिंग हो या वाटर पेंटिंग हो या नॉर्मल जो स्केच बोलते हैं हम, जिसे 2B 3B 6B वो भी इसमें यूज होता है, तो वो एक थॉट प्रोसेस के साथ बनता है. एंड इसमें एक सोच है, सब पेंटिंग्स को ध्यान से देखो, चाहे मधुबाला हो या कोई और कैरेक्टर हो या किसी विलेज की हो या किसी सब्जेक्ट की हो, बहुत ही लेफ्ट में जाकर उसको ऐसे लगता है बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो. बहुत कुछ सीखने को मिला है. एंड कोविड टाइम के बाद आई थिंक ये पहली बार ऐसा मौका है जब इतनी बड़ी पेंटिंग एग्जीबिशन का मैं हिस्सा बनी. सो थैंक्स टू रेखा गौर, थैंक्स टू जयसवाल जी. बहुत मजा आया, बहुत मजा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ऐसी एग्जीबिशन होती रहनी चाहिए. सो आई एम रियली लविंग ईच एंड एवरीथिंग. में क्या कहना है, कैसा लगा आपको एग्जीबिशन? मुझे शो बहुत अच्छा लगा, कोई ऑडियंस बहुत अच्छे मिला कि इतना ब्यूटीफुल पेंटिंग्स को देखने के लिए. आर्ट जो है एक इंसान की जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है. आर्ट जो है निशब्द है, कोई शब्द नहीं होता, लेकिन इसके एक्सप्रेशन इतने होते हैं कि देखने वाले के आंखों में एक अलग ही सुकून उसको पहुंचता है और वो एक निष्कर्ष पे आता है कि यार ये पेंटर ये कहना चाहता है. एंड उस चीज़ को
उसके दिल में उतरता है, उसके मन में उतरता है, एंड हर कोई ये चाहता कि ये मेरे घर का रौनक बने। आर्टिस्ट एंशियंट जमाने से 40,000 सालों से फर्स्ट पेंटिंग्स केव्स में बने, कोई भी इजिप्शियन हो, रोमन हो, कोई भी हो, लेकिन आज जो ये आर्टवर्क मैं देख रहा हूँ इतना खूबसूरत है। हर एक पेंटर अपनी जुबान कहता है, उनकी अपनी एक एक्सप्रेशन। मैं ये कहूँगा दिस इज समथिंग फैंटास्टिक एंड ऑल माय सीनियर्स आर देयर, आई थिंक दे शुड टेक ओवर। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है कलर ऑफ स्प्रिंग के एग्जीबिशन। आज का जो शाम है, आज की जो शाम है उसके बारे में देखिए क्या है कि पहली बार तो मुझे पता ही था कि यहाँ इतना अच्छा सा एक माहौल बनेगा, भगवान जी से भी मुलाकात होगी, जो हम लोग सुनते थे कि भी हमारे फिल्म के सेंसर बोर्ड पे आए हुए हैं, तो आज इससे मुलाकात करके भी अच्छा लगा। लेकिन पेंटिंग जो आज हम देख रहे हैं एक ऐसे माहौल पे जहाँ सबसे आलीशान एरिया है ये, और आलीशान एरिया में आलीशान पेंटिंग बन रही। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उन गाँव के जो बच्चे हैं जो वो अगर ऐसे कला में आना चाहते हैं तो वो कैसे आए, उनके लिए क्या सुविधा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक कलाकार है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरा ही ले लो, मैं बम्बई से नहीं हूँ, मैं फिल्म आर्टिस्ट एक्टर, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस का हुबली, आई जस्ट टुक अ चांस बिकॉज ऑफ पूना फिल्म इंस्टीट्यूट आई लैंडेड अप हियर। अगर पूना फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ होता भी नहीं था और आज मैं मंजू सिंह के साथ बैठा भी नहीं। तो क्या होता है, मौका मिलना चाहिए आर्टिस्टों को, मौका मिलना चाहिए, और वो आर्टिस्टों को मौका दिलाने में सब लोगों को करना चाहिए अच्छे से अच्छे। और एम एफ हुसैन जैसे महान जैसे आर्टिस्ट हैं कि मुझे याद है कि जब मैं 70s में मेरे फिल्में रिलीज होती थी, हुसैन साहब ने उसको लिटरली पेंट फिल्म पोस्टर्स होर्डिंग्स करते थे। मैं चाहता हूँ कि जो गांव में हमारा असली जो टैलेंट छुपा हुआ है, जितने भी हमारे एम एफ हुसैन जो गांव में छुपे हुए हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा कि बाहर आने का, मैं चाहता हूँ कि जैसे बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, लिमिटेड कंपनीज हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड स्पॉन्सर एंड हैव दिस स्कूल सॉर्ट ऑफ पेंटिंग का ट्रेनिंग हो, या उनको सही मार्गदिशा देने वाला हो, ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें खुलना चाहिए छोटे छोटे शहरों में, ताकि वो भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो उनको मौका नहीं मिलता, ना उनको कोई प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है, और मिलना चाहिए। जैसे आज मंजू जी हमारे साथ में है, शी इज़ फ्रॉम अ वेरी बिग कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो ऐसे महान हस्ती सब जो मिले, और मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे जो कस्बे हैं जो आर्टिस्ट छुपे हुए हैं उनको बाहर निकालिए और उनको मार्ग दिशा निकालिए, मेरी ये फीलिंग है। मैं सच्ची बता रहा हूँ कि मैं दिल की जो मैंने इस आने से पहले ना मैं कोई स्पीच का कोई प्रिपरेशन किए, मैं जो दिल से आ रहा मैंने कहा कि जो मेरे साथ हुआ, मैं आपके सामने आज बैठा हूँ, ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक है ओनली बिकॉज ऑफ पूना फिल्म इंस्टीट्यूट एफटी आया, उसके वजह से मैं हूँ यहाँ पे। अगर वो अगर मुझे सिलेक्ट नहीं किया होता एक्टिंग में, आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। इसी तरह से देर शुड बी इंस्टीट्यूट फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, फ्रॉम आर्टिस्ट कल्चर, दे शुड प्रोवाइड वन प्लेटफॉर्म फॉर द poorest of the poor who are real, genuine, mahan kalakar. That's my feeling, and government should give a big helping hand for that. सबसे पहले तो मैं सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार करती हूँ और मनमोहन जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि कोविड के पश्चात इनका ये पहला शो है, इसके पहले भी उन्होंने अनगिनत शो किए हैं, और देश भर के हमारे भारतवर्ष के सारे जो चित्रकार हैं उनको एक मंच देने की उन्होंने कोशिश की है, वहाँ यहाँ पर आकर हम उनका काम देख सकते हैं। और कला तो हमारे रचनात्मक ऊर्जा की प्रतीक है, और भारतीय परंपरा के अनुसार तो वो परम विद्या का ही सनातन पक्ष है, और कोई भी जो समाज है कला के बिना जीवित नहीं रह सकता है। हाँ, कला और हमारा जीवन साथ साथ चलता है, कला है तो जीवन है और जीवन है तो कला है, कि हर दिल की धड़कन है कला, हर मौसम की बाहर है कला, हंसी के कहो कहो में है कला, रुदन के क्रदन में है कला, मत बांधो किसी सीमा में कला को, धरा से नभ के कण कण में है कला,
कण कण में है कला। तो आज यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि पतझड़ के बाद बसंत आ गया है फिर से, और फिर से हमको कोविड के पश्चात अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है वो आज हम इस यहाँ पर इंद्रधनुषी रंग की इस छटा में हम देख रहे हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, इंद्रधनुष भी जो खिलता है ना तो बादलों और धूप के बीच में खिलता है। तो चाहे कितनी भी बाधाएँ आए, कुछ भी आए, हमें निरंतर आगे बढ़ना है। और आज इस यहाँ पर एग्जीबिशन करके मनमोहन जी ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि हम सारे कलाकारों को आगे बढ़ना है कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। बहुत अच्छी सोच है, बहुत बढ़िया सोच है। मैं खेमचंद मगनाड़ी भंत जी के खास दोस्त में उनके बोले बोले बनाया हूँ, मुबारकबाद उनको। और इतनी अच्छी पेंटिंग है और कला की क्या तारीफ की है, कला की जितनी तारीफ करो उतना कम। ऑल द बेस्ट, मुबारकबाद। और विक्रमजीत जी का एक गाना आज भी मुझे बहुत याद है, आज मेरे यार की शादी है, वो तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं इनको, और शत्रुघ्न सिन्हा के उनकी वो दोस्ती को कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इनको देखते ही मेरे मन में पहले यही गाना आया कि आज मेरे यार। कहना चाहूँगी कि मनमोहन जायसवाल जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और बहुत से नए सारे उभर के कलाकारों को भी उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, और इतने अच्छे सुहाने पेंटिंग्स उन्होंने रखवाए यहाँ पे कि एक रोज देखो दूसरा रोज इतनी अच्छी कलाकृतियाँ पेश की गई है। और ये उन्होंने दिखाया कि हमारा भारत इतना महान है और हमारे पास इतने कलाकार हैं कि मतलब हर मंच पर जो आगे है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यहाँ पे एक साउथ अफ्रीकन आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिस्टर केनेथ मेलोनी। मनमोहन जी के साथ ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि हमें एक साथ में काम करने का मौका मिला, हमें एक अच्छा एक्सपोजर मिला हमारा आर्ट को डिस्प्ले करने का, और काफ़ी आर्ट के कतरदान यहाँ पे जो आए हैं उन्होंने आर्ट को अप्रिशिएट किया है और बहुत सराहा है, तो हम काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? या ये 16th इंटरनेशनल ग्रुप एग्जीबिशन में आने का मौका मिला, मनमोहन जी ने बुलाया, बहुत ही प्यार से बुलाया, मैं आकर के ढाई घंटे से देख रहा हूँ, ढाई घंटे में इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग है, आर्ट वर्क इतना बढ़िया है, हमारे साथ बैठे हुए हैं इनका मैंने आर्ट वर्क देखा जो साउथ अफ्रीका से इन्होंने लाया है, थ्री डायमेंशनल इफेक्ट है उसमें, बहुत सुंदर बना है। उसी तरह बहुत सारे पेंटिंग ऐसे हैं जिसको आप किसी भी एंगल से देखें तो उसमें एक ग्लो निकलता है, उसका एक फीलिंग उसमें आती है। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है यहाँ पर कि सभी कलाकारों को अपना आर्ट वर्क यहाँ दिखाने का एक मौका मिला है, और मैं बहुत खुश हुआ। सर आपको पेंटिंग में कितनी रुचि है, कितना दिलचस्पी है? देखिए अगर सच पूछा जाए तो बचपन से ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है उसका, लेकिन अब देखते देखते कुछ अंदाज मिल जाता है कि ये अच्छी पेंटिंग है, ये शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी पेंटिंग्स मैंने देखी हैं उसमें हर लेमैन को भी समझने के लिए उसमें स्कोप है, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे जो पेंटर है सर, उनके भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? पहले तो मैं उनको विश करूँगा कि और आगे बढ़े और इनकी पेंटिंग सिर्फ भारत में नहीं तो बाहर भी जाए, और अच्छे अच्छे पेंटिंग्स हैं, काफ़ी आगे बढ़े, सफल हों। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में? पहली बार ही गैलरी में आया लेकिन बहुत अच्छा लगा, और सब एकदम रियली लगते हैं, देखेंगे आगे से उनसे रियली सामने से राइट एकदम दिखते हैं, बहुत एकदम अच्छा एकदम एक्सपीरियंस हुआ, इसलिए मैं मेरे फैमिली के साथ भी लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये तो मैं 11 साल से कर रहा हूँ, तो कोविड की वजह से क्लोजिंग कैंप तो आ गया था, मगर जो चेस्ट है वो रुकता नहीं है, तो हम लोग बहुत टाइम से ये सब बात कर रहे थे, मगर थोड़ा परमिशन के कारण ये थोड़ा डिले होता रहा, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हादसों के जज में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जल जल होकर घर से क्या घर बनाना छोड़ दें, तो कितने भी लोग हम साथ रहते हैं मगर नहीं है, कोविड के बाद एक डिले हो गया, और इसमें पूरे देश भर से 22 आर्टिस्ट हैं, सर ये काफ़ी का, और ये थोड़ा साल में 2 या 3 एग्जीबिशन 10 साल से
सर, जैसे कि आपने बताया कि अफ्रीका से, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे नेशनल और इंटरनेशनल की आपकी एडिक्शन जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? ज़्यादातर मैंने नेशनल किया है, बट बीच बीच में मैंने काफ़ी इंटरनेशनल किया है, तो इसमें करीबन दुबई से दो तीन आर्टिस्ट थे वो कैंसिल हो गए, और एक ऑस्ट्रेलिया से आर्टिस्ट थे उनका कस्टम ने चढ़ा दिया, ये इंटरनेशनल से होता, बट इंटरनेशनल अभी फिलहाल एक ही है। पेंटिंग के बारे में जानना चाहिए कि आप किस तरह का एग्जीबिशन पेंटिंग के बारे में बताइए, किस तरह का थीम है, क्या कुछ करना चाहिए? थीम हमारा टाइटल हमेशा एक ही होता है पिछले 10 साल से, कलर ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब ये होता है जो फसल है, जो स्प्रिंग है, वो एक भगवान कलर करता है, नए पत्ते आते हैं, सब कुछ नया लगता है, सुंदर लगता है, सुनहरा लगता है, जितना नेचुरल हो सके। तो हर आर्टिस्ट का एक पर्टिकुलर अपना वे है और सब लोग अपना काम करते हैं, कोई रिलीजियस करते हैं, कोई लैंडस्केप करते हैं, सब डिफरेंट आर्टिस्ट हैं। सर, कोविड के बाद इस तरह का आयोजन करना, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स ऑफकोर्स अच्छा है, बिकॉज आर्टिस्ट लोगों ने काफ़ी क्रिएट किया है लॉकडाउन में, और उसके बाद में जगह नहीं मिल रहा था ना, क्योंकि ऑनलाइन हम लोगों को मज़ा नहीं आता, वो रिस्पॉन्स नहीं होता, वो फिजिकली होता है, तो काफ़ी आर्टिस्ट इंटरेस्टेड हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं। आगे भी क्या प्लान है? मैं काफ़ी सोशल इवेंट्स करता हूँ, मैं टाटा हॉस्पिटल के कैंसर पेशेंट्स के साथ कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा एक जयपुरी के साथ उसके बाद मार्च में एक 30 उसके बाद नेक्स्ट पेंटिंग कर। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में? First, I would like to congratulate and appreciate what Mr. Jaipal has done, because exhibitions of art exhibitions in Mumbai are not uncommon, but the theme which is selected, inviting different artists, having each one having his own speciality at one place, is a great achievement. And I know how different it is our place, because here we are able to see this exhibition. Because at one place, we can see such a type of exhibition on this. और यशपाल जी 10-11 साल से जो है एग्जीबिशन करते हैं, और ये कोविड के बाद का ये फर्स्ट एग्जीबिशन है, और ये हमेशा पेंटर आर्टिस्ट को हमेशा एनकरेज करते हैं इस तरह से एग्जीबिशन करके। तो इंडिया फाइनल काउंसिल का प्रेसिडेंट होने के नाते यशपाल जी को हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, और जिस तरह से वो अपना पेंटिंग और आर्टिस्ट को एनकरेज करते हैं इस तरह से एग्जीबिशन करके, तो हम उनके बारे में हमेशा मनमोहन जी के साथ हैं, खुश भी करते हैं, और एक ये एक खुद एक अच्छे पेंटर है, एक खुद एक अच्छे आर्टिस्ट है, तो वो आर्टिस्ट की रूह को पहचानते हैं, और उनकी तकलीफ को भी पहचानते हैं, और इस तरह का एग्जीबिशन करके एक मैं समझता हूँ बॉम्बे में एक ऐसे पहले हो गए मनमोहन जयसवाल जी जो इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है, ऑर्गेनाइजर तो है ही अच्छे, लेकिन एक साथ में एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है, तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और ऐसा ही इसी तरह ही फ्यूचर में भी ऐसे इस तरह का एग्जीबिशन रखते रहे, और आर्टिस्ट को पेंटर लोग को बढ़ावा दे आर्ट के अंदर। थैंक यू सर। आई वुड फर्स्ट लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मनमोहन जी जयसवाल एंड द टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल इंटरनेशनल इवेंट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस आर्टिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेजिंग पेंट्स डिस्प्लेड, इनवाइटिंग ऑल द निश पीपल, it has been really good to be part of the spring of colors past few years. Once again I congratulate the team and wishing them all the very best. Thank you.